पेपर था, ठीक अच्छा हुआ पेपर। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा है सर? डिफिकल्टी लेवल मतलब ऐसा था कि हो सकता था अगर बच्चों ने अच्छे से किया है तो, ढंग से पढ़ाया तो, मतलब अब लास्ट मतलब लैब रिवीजन अच्छे से किया था तो हो जाता। बोटनी के गोड हो सकते हैं ना, वो तरुण सर है और उनसे पढ़ने वाला बच्चा अगर उनसे ढंग से पढ़ा है ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ 180 में से 180 लेके निकलेगा। एक लाइन ही छोड़ी उन्होंने मतलब। तरुण सर तो हमारे बेस्ट ही है, ये तो पक्का ही है। तो तुम बताओ कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवरऑल? सर मैं 650 अबव तक। 650 अबव, वेरी गुड यार। मतलब मैंने जो नहीं, जैसे एक दो थी जिसमें मेरे को लग रहा है सिली मिस्टेक नहीं हो, अगर वो नहीं हुई तो 650 अबव आ सकते हैं। पेपर कैसा था आपका? पेपर कैसा हुआ? पेपर काफी अच्छा हुआ। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? को केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगी फिजिक्स की बजाय, और बायो एवरेज थी। बायो एवरेज थी, तो क्या बायो की एनसीईआरटी बेस्ड थी? कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड। चलो सही है। तो आप टोटल कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 600 अबव तो हो जाएगा। चलो वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। पर कैसा गया? अच्छा था पेपर तो। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा था? नहीं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सही था, बस केमिस्ट्री में थोड़े बहुत थे। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था। आपकी मॉम से भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा मॉम और डैड हैं, तो सर ये मॉम डैड का तो बहुत ही मतलब बड़ा रोल होता है बच्ची के सक्सेस में, तो बच्ची के स्ट्रगल स्टोरी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? देखो एक्चुअली हम विलेज एरिया से हैं और वहाँ पर हमें इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, हमने फिर इनका एडमिशन सीकर कराया था और एग्जाम काफ़ी स्ट्रगल किया है बच्चे ने, हम इसके एफर्ट पे पूरे उम्मीद है कि विश्वास है जी बात क्रैक कर लें। ये सर बिल्कुल ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, पक्का क्रैक करेगी। ओके बेटा ऑल द बेस्ट। पेपर सर अपनी तरफ से सर अच्छा किया मैंने। अच्छा अपनी तरफ से पूरा दिया ना 100%। और पेपर एनसीईआरटी बेस्ड लगा बेटा? एनसीईआरटी बेस्ड ही था ज्यादातर, फिजिक्स बहुत आसान थी। फिजिक्स आसान थी, वेरी गुड वेरी गुड। और बायोलॉजी जो है वो पूरा एनसीईआरटी होगा कंप्लीट ना? सर पूरा एनसीईआरटी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अपन माने एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया है ये बोले ठीक है। वो एक्चुअली जानबूझ के ऐसे डालेंगे जिससे वो अटक जाए, तो ये इस वजह से टाइम ज्यादा लगे, तो इसलिए वो दो क्वेश्चन ऐसे ज्यादातर डालेंगे, लेकिन 100 में से 98 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से थे। तो क्या है तरुण सर के लिए? भाई सर मतलब भाई मेरे को जितनी बायो आई है आज तक, जितनी समझ में आई आज तक कभी जिंदगी में नहीं आई जितनी तरुण सर से मतलब पढ़ के आई है। मैंने बायो को ऐसे अंडरस्टैंड करा है कभी, मतलब जिंदगी में उसके अलावा मैंने कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करा।